नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम पढ़ रहे हैं BSc एग्रीकल्चर की मैथ और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समाकलन। हमने अवकलन कंप्लीट कर लिया है, अब हम समाकलन की कंटिन्यू क्लास लगा रहे हैं। एक क्लास हमारी शाम के टाइम अब लग रही है, एक हमारी क्लास लगेगी सुबह 7 बजे, एक शाम के 7 बजे आती है। तो आप क्लास को शेयर कर दो, आप क्या है क्लास को शेयर कर दो। सभी अच्छे होंगे, सभी को मेरे गुड इवनिंग, सभी को राम राम अच्छे तरीके से। तो आपको क्लास शेयर करना है, एक मिनट का टाइम है आपके पास में, इतने में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप क्लास को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और क्लासों का लाभ ले सके। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जितने भी क्लास देख रहे हैं, वो एक बार लाइक जरूर कर दें यार। जितने देख रहे हैं उतना लाइक आना जरूरी होता है, तो लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। एक मिनट का टाइम है आपके पास में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें यार। ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ने से पढ़ने का मज़ा कुछ अलग होता है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, शेयर करते रहें क्लास को। और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो कई कमेंट आते हैं, सर हमारी क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यानी मैथ हमारा जमा लो रहा है। 10th क्लास में हमारा मैथ वीकली था, इस कारण हमें मैथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ यार, हमारा कोर्स होने तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी क्लास हमारी देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम रिवाइज करेंगे, उसके साथ भी हमारा साथ दीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है ना। तो वो टेस्ट सीरीज करना और फिर मेरे को बोलना सर हमें नहीं आता मैथ, नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैथ समझ में नहीं आएगा। हाँ मैथ समझ में आएगा, जब कब आएगा समझ में, जब आप हमारी पूरी क्लासों को देखोगे और पूरे साहस के साथ, बस ठीक है ना। तो ठीक है, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो ठीक है जितने भी जुड़े हैं वो क्लास को धैर्यपूर्वक देखते रहें और ऐसे भी जुड़ते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिएगा हम शुरू करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, टेन स्क्वेयर एक्स माइनस का कोट स्क्वेयर एक्स और डीएक्स, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, ठीक है ओके। पढ़िएगा अब, देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है वो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लास अगर किसी ने लगाई है, ठीक है ना, तो वो तो आसानी से कर पाएगा। और वो जो कैंडिडेट हमारे आज ही चैनल पे आया है या एक दो क्लासें लगाई है वो नहीं कर पाएगा, तो कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखें। क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, अच्छे तरीके से देखना। मैं आपको एक साइड में सर्वसमिका बता रहा हूं, ये सर्वसमिका ही होती है। मैं तीन सर्वसमिका बताई थी मैंने, एक तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इजिकल टू एक होता है, एक सर्वसमिका ये बताई मैंने टेन स्क्वेयर एक्स प्लस का वन इजिकल टू शेक्स स्क्वेयर एक्स होता है, और एक मैंने सर्वसमिका बताई कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का वन इजिकल टू कोस एक्स स्क्वेयर एक्स होता है। दो सर्वसमिका ये और एक साइन कोस वाली बताई थी। यहां पे ये दोनों सर्वसमिका काम करेगी, क्यों करेगी भी, कोट यानी टेन स्क्वेयर एक्स का और कोट स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट कोई भी समाकलन करने का हल नहीं है इसका, या कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। तो इसको थोड़ा सा क्या है, चेंज करना पड़ेगा हमें। तो किस प्रकार से हम चेंज कर पाएंगे देखना, यहां से हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास टेन का स्क्वेयर है और यहां पे क्या है हमारे पास कोट का स्क्वेयर है। तो ठीक है, यहां से हमारे पास टेन का स्क्वेयर है ना, तो मैं इसको टेन का स्क्वेयर में चेंज करूंगा ना, ये देखिएगा टेन स्क्वेयर एक्स एक तरफ रखूंगा और ये वन प्लस का है इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा ना। हाँ अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा, इतना आपके समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा, ठीक है कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा हमें यहां पे चाहिए कोट स्क्वेयर एक्स, तो ठीक है यहां से हम कोट स्क्वेयर निकालेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार क्लास को देखोगे यार समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहां से कोट का स्क्वेयर एक्स है, तो यहां से हम करेंगे कोस एक्स स्क्वेयर एक्स और ये प्लस का है, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। हाँ इतना समझ में आ गया, तो देखिएगा ये मान आपको क्या है, इस
क्वेश्चन में हमें रखना है। तो यहां से देखिएगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, भी sec square x, साथ के साथ क्लास को शेयर करते रहें ताकि कैंडिडेट बढ़ते रहें हमारे चैनल पे। तो यहां से देखिएगा sec square x माइनस का 1, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, यानी छोटे ब्रैकेट में कर दिया। इसके बाद में ये माइनस का चिन्ह है ये लगा दिया और ब्रैकेट शुरू कर दिया छोटे वाला। अब इसके बाद में कोट स्क्वेयर का मान चाहिए तो हम रखेंगे cosec square x माइनस का 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद और ये dx, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा ये छोटे वाला ब्रैकेट है उसको हटाते हैं तो किस प्रकार से हटेगा, ये हटेगा sec square x, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और यहां से ये प्लस माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी और यहां से dx बाहर है। अब देखना यार, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना, तो ठीक है जरूर। यहां से देखिएगा, अब हमारे पास इसको अलग अलग लिखते हैं, हमारे पास ये बनेगा sec square x और ये बनेगा cosec square x, ये है dx। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा, अब आपके समझ में आ गया होगा ना, अब तो आप आंसर निकाल सकते हो इसके, यानी sec square x किसका समाकलन होता है और cosec square x किसका समाकलन होता है, ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो देखिएगा, ये आपके पास सूत्र ही लिखवाए थे मैंने, यानी इसका हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा एक लाइन में और वर्दी कर देता हूँ, यहाँ से dx है इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए। तो यहां से देखिएगा अब बेहतर हो जाएगा आपको समझने के लिए, यहां से sec square x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, क्यों होता है, ये आपको सूत्र मैंने पहली क्लास में बता दिए हैं और बार बार देखिएगा मैं सूत्र बताता रहूंगा तो हमारा कोर्स नहीं हुआ। वैसे आपकी दो क्लासें लग रही है फिर भी मेरे को डर है कि कहीं पे इसका कोर्स न रह जाए, यानी हमें क्या है रिवाइज भी करना है, टेस्ट सीरीज भी करनी है और पीछे के जो क्वेश्चन है पेपर हमने आए हैं हमारी परीक्षा में वो भी हमको हल करने हैं अच्छे तरीके से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा ये मैंने सूत्र बता दिया है भी sec square x का समाकलन होता है tan x और यहाँ से ये प्लस का चिन्ह आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, एक बार लगा देता हूँ मैं यहाँ से, ये मेरे पास माइनस का चिन्ह है और यहाँ से cosec square x का समाकलन होता है माइनस का cot x, तो यहाँ से कर देता हूँ माइनस का cot x और ये प्लस का नियतांक लगा दिया सी नियतांक समाकलन, यहाँ से हमारे पास बनेगा tan x, ये माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा cot x प्लस का c, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। जिस किसी को भी ये नोट करना हो वो अच्छे तरीके से नोट कर सकता है या जिसको स्क्रीन शॉट लेना है वो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको दो सर्वसमिका बता दी है, इस सर्वसमिका से यहाँ पे आप मान पुट कर सकते हैं और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ से ये मैंने ब्रैकेट लगाया, इसके बाद में ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये बाहर माइनस का चिन्ह है ना, ये अंदर जाएगा तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की और जो माइनस की है वो प्लस की, देखना यहाँ पे कोसेक प्लस का था ये माइनस का हो गया और ये वन माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये अब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे यार, जो माइनस प्लस की है वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा हमारे पास कोसेक स्क्वेयर एक्स बनेगा, ये माइनस के कोसेक स्क्वेयर, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, या तो आप यहीं से आंसर लिख सकते हो या इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखे करोगे तो बेहतर रहेगा आपको समझने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा बहुत ही बढ़िया, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, और यार क्लासें लग रही है आपकी, कंटिन्यू क्लासें लग रही हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्लास लग रही है, तो आप क्या है, अरे यार आधे घंटे का टाइम निकाल लिया करो सुबह और शाम को, अगर आपको कामयाब होना है, आप सबका साथ और हम सबका विकास होगा यार, आधे घंटे का टाइम निकालना है आपको, ठीक है ना, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी हमारी, आधा घंटे की क्लास ही रहेगी। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, शानदार क्वेश्चन है यार, परीक्षा में आ सकता है,
देखिएगा, देखने में अजीबोगरीब क्वेश्चन है हमारा। आप समझो कि सर इतना लंबा क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे? हाँ आ सकता है यार, इजी है। देखना किस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर मैं जितने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आप उतने ही क्वेश्चन कर लेते हो ना, अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। ये देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि सभी में सूत्र लगेंगे। क्या लगेंगे? सभी में ही सूत्र लगेंगे। देखना ये आपको हल करना है। किस प्रकार से हल कर पाओगे? कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है, और हमारी क्लास में जो आई बटन दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे हमारी जो पीछे की क्लासें हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले वाली भी क्लास अच्छे तरीके से देख सकते हो, अगर नहीं देखे तो। अगर देखा है तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। यहां से देखिएगा, मैं इसको अलग अलग लिखूंगा, तो ये 1 इंटू डी एक्स, ये प्लस का चिन्ह है, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, और ये डी एक्स है, ये प्लस का, ये 3 को मैं बाहर ले आता हूँ यार, ये अचर राशि है ना। तो यहां से एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर माइनस का 1, और ये यहां पे लगेगा डी एक्स, और ये प्लस का चिन्ह है, 2 की पावर एक्स और डी एक्स। अब तो थोड़ा सा इजी हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। कुछ नहीं, अब यहां तक मैंने ये क्वेश्चन हल किया ना, मेरी तरफ से मैंने कुछ ही नहीं किया। ये डी एक्स है, इसका अलग अलग के साथ में गुणा करवा दिया है। अब इसके बाद में देखिएगा यार, यहां से आप समझते हो कि सर एक का हमेशा समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वो ही होता है। तो एक का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं यार, एक्स होगा। और ये देखना, दो तीन बार करा चुका हूं इस पे क्वेश्चन, किसका समाकलन होता है बता दीजिएगा, एक बार कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा यार। ये तो बहुत बार बता चुका हूं, ये होता है टेन का। किसका होता है? टेन इनवर्स का होता है। ये देखना ये किसका होता है। हाँ इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन मैंने ये आपको सूत्र बता दिया है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है। तो यहां से ये हो जाएगा sec इनवर्स का, और ये देखना ये करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का चिन्ह, ये हमारे पास होगा tan इनवर्स x प्लस का 3 हमारा है, ये हो जाएगा हमारा। ये फॉर्मूले हैं भी, वैसे नहीं लिख रहा मैं, ये फॉर्मूले हैं, देखना पहली क्लास हमारी, पहली क्लास समाकलन की देखना, इसके बाद में समझ में आएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो देखना कोई बात नहीं, अभी जुड़े हो तो देख लीजिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आप देख रहे हो तो अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक बार ये क्लास अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, हाँ समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। चलिएगा ये प्लस का चिन्ह है। अब देखना यार, ए की पावर एक्स होता है हमेशा, इसका हम अगर हम समाकलन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? अगर इसका हमें समाकलन करना हो ना, ए की पावर ए यहाँ पे क्या है? अचर राशि है, और एक्स यहाँ पे चर राशि है। तो यहाँ पे 2 क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 3 मैंने बाहर क्यों लिया? क्योंकि ये अचर राशि थी, और ये 2 क्या है? यहाँ पर अचर होगी, तो अचर की पावर चर है, तो इसका समाकलन होगा। यानी एक बार तो इसको सेम का सेम लिख देते हैं, और इसके बाद में आधार तो ये लिख देते हैं इसका, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, तो यहां से समझिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई आधार ए प्लस का, ये समाकलन नियतांक मैंने लगा दिया। अब एक बार समझिएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है यहां तक, ठीक है ना। इतना ही आपको क्वेश्चन करना है, और एक बार मैं आपको सूत्र लिखवा रहा हूं वो लिख लेना, ठीक है ना। यानी मैं बोलूं भी tan इनवर्स x का अगर x के सापेक्ष समाकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में c, कोई बात नहीं, ये इतना होता है, ठीक है ना। ये इसका एक फॉर्मूला है, प्लस का c लगाओ चाहे ना लगाओ। इसके बाद में देखना, ये इसका हो जाएगा 1 अपॉन में x अंडर रूट में x की स्क्वायर प्लस में 1, और dx इसका समाकलन क्या होता है? हमेशा ये होता है sec इनवर्स x प्लस का सी।
कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है। तो अगर ये इसका भी समाकलन ये होता है dx, a की पावर x है भी यहाँ पे a की पावर x अपॉन में यहाँ से log e आधार a प्लस का c, कोई दिक्कत है? ये तीन फॉर्मूले मैंने काम में लिए हैं इस सूत्र में। तो जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से ले सकता है, या जिसको नोट करना है वो अच्छे तरीके से नोट कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अलग अलग किया है यार, लंबा क्वेश्चन था ना। हाँ देखने में लंबा था लेकिन एक ही यानी दो लाइनों में ही कंप्लीट हो गया। ये तो एक लाइन तो मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना अगर आपको आता है तो यहीं से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। इस प्रकार से ये आपको लाइन नोट करनी है, यानी ये आपको दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को। इसके बाद में ये नीचे वाली लाइन आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बड़े साहस के साथ, जोश के साथ क्लास को शेयर करना है, साथ में शेयर करते रहिएगा ताकि कैंडिडेटों की हमारे चैनल पे वृद्धि होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके हमसे और कक्षाओं का लाभ ले सके, ठीक है ना। जब ज़्यादा बच्चे होंगे तब पढ़ाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वैसे कंटिन्यू क्लासेस कोई नहीं लगाता, पूरा कोर्स कोई नहीं करवाता, या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। अगर मैथमेटिक्स से संबंधित आप सर्च करोगे तो हमारी ही क्लास आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छा मौका आपके पास। क्या आप मैथ को चार सालों तक लिए फिरोगे साथ में? नहीं, इसका झंझट यहीं पे छोड़ दो यार, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट करो, अच्छे तरीके से क्लास को फॉलो करो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको डाउट आनी नहीं चाहिए। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया जो हार्ड हो। हाँ, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया जो हार्ड है आपके लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। हाँ, इस प्रकार के कई क्वेश्चन भी ऐसे मैंने करवा दिए हैं पिछले क्लासों में या इसी क्लास में कि वो चार नंबरों के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको हल करना है, अभी देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसको आ रहा है वो कर सकता है आसानी से और मेरे को इसका आंसर भी बता सकता है कमेंट में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखना, ये क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कोट का गुणा टेन के साथ में करना है और कोसेक के साथ में करना है। बस इतना करते ही आपके दिमाग में आ जाएगा यार इसका आंसर तो ये होगा ना। हाँ बहुत ही बढ़िया, चलिएगा ये देखिएगा, मैं कोट का गुणा इन दोनों के साथ में करवा रहा हूं, तो ये यहां से हो जाएगा कोट एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स, ये माइनस का चिन्ह है, ये मेरे पास में हो जाएगा, चलिएगा पहले कोस को लिख लेता हूं, कोसेक को कोसेक एक्स, इसके बाद में मेरा हो जाएगा कोट एक्स और यहां से देखिएगा ये डी एक्स बाहर है। चलिएगा इसके बाद में आप समझिएगा, यहां से इससे क्या रिजल्ट आता है, कोटेक्स डॉट टेनएक्स क्या होता है भी? ये एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कहने का मतलब यानी टेन और ये कोट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर ये पास पास आ जाएंगे ना तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जिस प्रकार से अर्थ और करंट के तार मिलने से आग लगती है ना, उसी प्रकार से टेन और कोट एक पास अगर एक साथ में आ जाए ना गुणा में, तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। कहने का मीन समझ में आ गया ना आपके? मैं अगर इस प्रकार से लिखूं, टेन थीटा बराबर मैं लिखूंगा वन अपॉन में कोट थीटा, लिखूंगा ना, अरे लिख सकता हूं ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये भी लिख सकता हूं ना, वन अपॉन में टेन थीटा। अगर ये दोनों में फॉलो कर सकता हूं तो ये मैं भी फॉलो कर सकता हूं ना, अगर ये फॉलो कर सकते हैं तो ये मान हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कोट एक्स डॉट
टेन एक्स कोट एक्स डॉट टेन एक्स इज इक्वल टू वन, यानी ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, तो यहां पे एक हमारा एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। चलिएगा, और आगे वाला फॉर्मूला है यार, आगे वाला फॉर्मूला है, तो देखिएगा यहां से हमारे पास वन माइनस का कोसेक एक्स और ये हो जाएगा कोट एक्स और ये हो जाएगा डीएक्स। इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद में देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखूंगा ना, तो आपके थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। डीएक्स ये देखिएगा, अब आप बताओगे सर एक का समाकलन क्या होता है, हाँ एक्स होता है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर टी के सापेक्ष करते तो टी हो जाता, अगर वाई के सापेक्ष करते तो कोई बात नहीं वाई हो जाता यार। और यहां से ये आपको बता है बी कोसेक, यानी मैं आपको बोलूं बी कोसेक का अवकलन क्या होता है, आप बोलोगे सर कोसेक का अवकलन माइनस का कोसेक और कोट होता है, अगर मैं इसका समाकलन पूछूं ना माइनस कोसेक यानी कोस एक्स का और कोट एक्स का, तो आप बोलोगे सर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा इसका समाकलन हो जाएगा एक्स, ये बाहर माइनस है, अंदर देखिएगा इसका और इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का, ये समाकलन नेतांक सी लगा दिया, ये माइनस है और ये माइनस है, बीच में गुणा का निशान है, तो देखिएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और कोसेक एक्स और प्लस का सी हमने ये लगा दिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आ जाता है। जिस किसी को भी ये स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिसको नोट करना है साथ में आप अपनी कॉपी लेके बैठे हैं तो साथ के साथ जो मैं बताता जा रहा हूँ तो आप लिखते जाइएगा साथ, अच्छे समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा जल्दबाजी से मैं पढ़ा नहीं रहा, आराम से पढ़ा रहा हूँ, और कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना अच्छे तरीके से, और आपको पसंद आए क्लास और आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो आप लाइक जरूर करना भी, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कहता हूँ 100% आपको देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना उस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिएगा, अब मैथ आपने इतनी क्लासें लगा चुके हैं आप मेरी, तो अब आपको मैथ हार्ड नहीं लगना चाहिए, मैथ आपको आसान लगना चाहिए भी, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि समाकलन करना है अंडर रूट एक्स का प्लस का वन अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर कितनी है भी, चलिएगा बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ही लगाएंगे स्क्वायर और ये डी एक्स, ये देखिएगा शानदार क्वेश्चन है भी जिस किसी को भी आता है वो आसानी से कर सकता है और मेरे को कमेंट भी कर सकता है। यहां से देखिएगा गाइज, यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन हमें हल करना है, और ये हल करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, किसका a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से समझिएगा हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्क्वायर, या तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, अरे कोई बात नहीं यार, कई बोलेंगे सर ऐसे नहीं हम तो इस प्रकार से लिखेंगे, अरे यार इस प्रकार से लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्क्वायर कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो यहां से देखिएगा इसको इस टर्म में चेंज करना पड़ेगा ना हमें, तो यहां से चेंज करिएगा, यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस नीचे वाला लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहां से वन अपॉन में अंडर रूट एक्स की होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह टू ए अंडर रूट एक्स और यहां से b आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स और इसके इंटू में क्या आ जाएगा रे डी एक्स आ जाएगा ना, हाँ। तो अब समझिएगा यहां से हमारे पास बनेगा अंडर रूट एक्स की स्क्वायर x प्लस का वन अपॉन में x प्लस का टू
और इसके गुणा में आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा इसके गुणा में, इसके गुणा में आ जाएगा dx। तो यहां से अब मैं इसको अलग अलग करूंगा, अब आसान हो गया ना क्वेश्चन, अब आपको आसान लगने लग गया क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है। अगर ये पढ़ा होता आपका अच्छा तरीके से तो आपको यहीं पर भी क्वेश्चन आसान लगता, कोई बात नहीं आसान है, मैंने इस टर्म में चेंज कर दिया, इसके बाद में हमारे पास ये बनता है, यानी अंडर रूट का मीन समझते हो गया, यानी ये मैं अंडर रूट लगा रहा हूं ना, ये निशान है ना अंडर रूट का है, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं किसी की पावर एक बटा दो और अंडर रूट, ठीक है ना। अगर मैं इस प्रकार से बोलू ना ए की पावर अंडर रूट, तो क्या बोलोगे आप, सर ये होता है, ये होता है, यानी ए की पावर हाफ, अंडर रूट का मीन समझता हूं हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप क्या करोगे, इस पावर की स्क्वायर करोगे, पावर पावर की स्क्वायर नहीं करोगे, आपको क्या करना है, यहां से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझिएगा आप, यहां से आपके पास होगा आपने बोला कि इसकी पावर कितनी है एक बटे दो हाफ है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो आप इसको क्या कहे दो से गुणा भी कर दोगे, अगर दो से गुणा करोगे तो देखना यार दो से दो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दो नीचे है ये गुणा में है, तो यानी ए की पावर कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी, वो ही मैंने यहां पे किया है, अंडर रूट एक्स की पावर दो थी एक्स की पावर एक बना दिया, यहां पे वन अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर दो थी एक बटे एक्स बना दिया, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा दो बच गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख सकता हूं ना, एक्स डी एक्स प्लस का चिन्ह है, समाकलन वन अपॉन में एक्स डी एक्स प्लस का टू मैंने बाहर रख लिया वन इंटू डी एक्स, क्योंकि ये अचर राशि है इसको बाहर लिख सकता हूं। तो यहां से समझिएगा आप एक्स का समाकलन क्या होता है, हाँ एक्स का समाकलन बताइएगा, एक्स का समाकलन होता है एक्स की स्क्वेयर अपॉन में टू, प्लस का चिन्ह वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग ई आधार एक्स लिख सकते हो, प्लस का टू एक का समाकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो, और ये समाकलन नियतांक मैंने लगा दिया सी, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकता है, या जिसको नोट करना है वो अच्छे तरीके से नोट कर सकता है, ये हमारा रफ काम है भी, ये इस क्वेश्चन से संबंधित है लेकिन ये हमारा रफ काम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे, इसी प्रकार के जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको क्या है अच्छे तरीके से समझना है, कहीं पर आपको डाउट लगे तो बता देना, अभी आप मत घबराना कि हमें मैथ नहीं आता, जो सर करवा रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार मैं आपको पूरा कोर्स करवा देता हूं, इसके बाद में आपका रिवीजन करवाऊंगा ना, और इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज दूंगा करने के लिए, वो क्वेश्चन आप करना और बता देना मेरे को, फिर बताना सर हमारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन हमें समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, इसके बाद में हम पीछे के जो जो भी एग्जाम हुए हैं उससे क्वेश्चन लेके आएंगे और हम आसानी से उसको करेंगे। चलिएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिएगा कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिएगा, और क्लास आपको पसंद आ रही है तो यार लाइक कर दो, और मैं आपको शेयर करने की तो बार बार बोल रहा हूं कि साथ के साथ में शेयर करो, यानी मैं क्लास शुरू करता हूँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ भी, ठीक है ना, तो उस टाइम में आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि और भी कैंडिडेट ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। चलिएगा ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, थोड़ा से एक आसान क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, इसके बाद में एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, लॉग की टर्म में है, वो लॉग की टर्म में इस प्रकार से इसके पैरों में यानी आधार एक्स है और ये भी एक्स है, और डी एक्स के सापेक्ष इसका हमें समाकलन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही घबराना मत, क्योंकि अगर दोनों आधार सेम हो, एक्स और एक्स हो, यानी इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि लॉग ए और ए, लॉग ए और ए इज इक्वल टू, इसका मान हमेशा एक ही होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है,
एक ही होता है, तो ये इसका समाकलन में यहाँ पे एक्स एक्स है, ए ए है, बी बी है, टी टी है, वाई वाई है, कुछ भी हो, क्या करेंगे हम यहाँ पे एक कर देंगे और डी एक्स। और एक का समाकलन हमेशा क्या होता है, x होता है प्लस सी, यानी जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो, अगर t के सापेक्ष करते तो t हो जाता, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑप्शन टाइप जो पेपर आता है आपका 30 नंबरों का उसमें पूछ सकता है, यही कोई बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं हमारा। ये देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर दिया गया है अब की बार 1 प्लस में कोश 2x और ये dx। ये देखिएगा शानदार क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे तरीके से मेरे द्वारा बताए गए सूत्र पढ़े हैं तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था भी cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, कितने, चार फॉर्मूले बताए थे। एक तो होता है cos x square x माइनस का sin square x, एक मैंने ये भी बताया था बी टू कोस के एक्स माइनस का वन, ये तो कोस की टर्म में होता है और ये माइनस की टर्म में होता है, साइन के एक्स ये होता है साइन की टर्म में और ये होता है कोस की टर्म में। तो यहाँ पे देखना है, यानी आप कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये आपके दिमाग में आएगा, जरूर आएगा। हाँ सर ये नहीं लगा सकतेगा, हाँ नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करना है। छोटा किस प्रकार से होगा, यानी यहाँ पे माइनस का वन आ रहा है और यहाँ पे प्लस का वन है तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है यार प्लस का वन आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस का वन है तो और लेंथी हो जाएगा, यानी ये ऐड हो जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा, हमें तो काटना है यार, छोटा छोटा करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिएगा ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा वन प्लस में कोस टू एक्स का ये फॉर्मूला लगाऊंगा, टू कोस के एक्स और माइनस का वन और ये डी एक्स यहाँ से लग जाएगा। तो देखना यार क्या बनेगा, ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, कैंसिल हो जाएंगे। तब इसके बाद में ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, यानी अंडर रूट के अंदर बचेगा कोस के एक्स और ये दो इसके गुणा में है। अगर इस दो को मैं बाहर लेके आता हूँ तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट दो को लेके आया हूँ बाहर, अचर राशि है, यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से अंडर रूट टू और यहाँ से अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये देखिएगा अंडर रूट इसको हटा देगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स और डी एक्स। कोस एक्स क्यों हो जाएगा अभी, ये आपके समझ में आ गया है, मैंने पहले भी बताया था, और इसकी स्क्वायर और इसकी पावर एक बटे दो, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ना। तो इसके बाद में देखिएगा इसका समाकलन, ये तो है अंडर रूट दो, और कोस का समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस के सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को एक बार रोक दीजिएगा और अच्छे तरीके से उसको नोट कीजिएगा। तो देखिएगा आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना, अभी बता देना सभी को भी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हमारी क्लासें कंटिन्यू लग रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लासों का जल्द से जल्द लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।